नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिकगढ़ समाचार से। जो छात्र CUET एंट्रेंस नहीं दे पाए थे, बाहर दूसरी स्टेट में दूसरे राज्य में नहीं जा पाए थे, जिन लोगों को एक घंटे पहले पता चला कि उनका सेंटर जो है वो दूसरी स्टेट में है और एक घंटे में उनको पहुंचना था, उन लोगों के लिए दिक्कत हो गई थी, तो उनके लिए खुशखबरी है। यानी कि जो लोग एंट्रेंस नहीं दे पाए थे उनके लिए खुशखबरी है। अगर आपने एंट्रेंस नहीं दे पाए, क्योंकि इसके ऊपर बवाल हो रहा था, छात्र जो थे वो भी बात कर रहे थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनें जो थी वो भी बात कर रही थी, और अब खुशखबरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, एंट्रेंस नहीं दे पाए हैं, वो भी अब उन्हें भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, लेकिन मेरिट के बेस पे, जो उनके ट्वेल्थ में मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर आगे उनको एडमिशन मिलेगी। ये खुशखबरी है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए अतुल सूदन है, जो लगातार इसके ऊपर बात कर रहे थे जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से। अतुल जी नमस्कार। दीपक जी, अच्छा खुशखबरी है कि आप लोग जो बातें कर रहे थे, जो आप इसको लेकर विरोध कर रहे थे, उसने कुछ ना कुछ तो असर दिखाया है। बिल्कुल दीपक जी, ये साफ तौर पर अन्याय था उन छात्रों के साथ, जिन छात्रों के पास इतने पैसे नहीं थे, जो जम्मू कश्मीर से बाहर जाके पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बार बार पेपर दे सकते थे। तो लगातार इसके ऊपर हम आवाज उठा रहे थे, जिसके बाद काफी सारे लोगों ने मिलकर इसके ऊपर आवाज उठाई और आखिरकार सरकार को अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास हुआ, अपनी कमी का कहीं ना कहीं एहसास हुआ है, जिसके बाद ये फैसला आया है कि वो तमाम छात्र जो किसी कारणवश पंजाब जाकर या किसी दूर दराज के सेंटर में जाकर पेपर नहीं दे पाए हैं, अब जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में उनको मेरिट बेसिस एडमिशन दी जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा साइन ऑफ रिलीफ है, एक राहत का साइन है उन तमाम छात्रों के लिए, क्योंकि हम पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि छात्रों के साथ एक अन्याय है, उनके ऊपर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। छात्रों को एंट्रेंस में नहीं बैठने को मिला था, उनकी तो रातों की नींदे भी उड़ गई होंगी कि किस तरह से आगे इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद ट्वेल्थ में इतने अच्छे मार्क्स लाए और अब हमें कॉलेज में बैठने को भी नहीं मिलेगा, तो वो लोग कितने परेशान थे, तो उनके लिए बिल्कुल दीपक जी, उनका वर्ष पूरा बर्बाद होने की कगार पे था। वो लोग बहुत चिंतित थे इस सबको लेकर, और लगातार उनके अभिभावक और वो छात्र जो है अपनी आवाज उठा रहे थे। कहीं ना कहीं ये उन सबके लिए एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, एक कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो छात्रों को जब से ये मालूम पड़ा है कि इस तरह का फैसला आया, खुश है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तमाम छात्र जो बेचारे, मैंने पहले भी कहा, खासतौर पर इससे सफर कौन कर रहा था, गरीब छात्र, दूर दराज पहाड़ी और बॉर्डर क्षेत्र का छात्र ही ज्यादा इससे सफर कर रहा था, तो वो सभी छात्र अब खुश हैं, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करके 12वीं में पास हुए थे अच्छे अंक लेकर। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि एजुकेशन जो सबके लिए सामान्य होनी चाहिए, उसमें कहीं भेदभाव हो रहा है, जिसको अब कम से कम इस वर्ष के लिए उनको राहत मिलती है। लेकिन जो लोग एंट्रेंस एग्जाम में बैठ गए थे, जिन्होंने एंट्रेंस दे दिए, जिन्होंने पैसा खर्च किया, यहाँ से अपनी गाड़ी की होगी, उसके बाद वहां गए होंगे, वहां पर रूम लिया होगा, रेंट पर रहे होंगे, क्या किया है, तो उन लोगों के मन में कब क्या भाव है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे छात्र अभी हमें लगातार फोन कर रहे हैं, जो कर्ज उठाकर आगे पीछे से अपने रिश्तेदारों से पैसे उठाकर इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए गए थे। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, ऐसे भी खासकर गरीब छात्रों को कम से कम कंपनसेट किया जाना चाहिए, कंपनसेशन उनको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक फिक्स जो है उनका लॉजिंग का या ट्रैवलिंग का अलाउंस जितना भी बनता है, उन लोगों को कम से कम पे किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एग्जाम फीस पूरी की पूरी भरी है, और जब वो एग्जाम फीस भरते हैं तो सरकार का सबसे पहले ये दायित्व होना चाहिए कि नियरेस्ट एग्जाम सेंटर उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। चलिए, अब तो नहीं ये मांग है कि सेंटरों को रिलोकेट किया जाए? नहीं नहीं, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि जो छात्र नहीं पहुंच पाए थे, अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक मौका जो है सरकार ने उनको दे दिया। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद जी। तो ये अतुल सूदन जी थे जो हमारे साथ फोन लाइन पर बात कर रहे थे, और जैसे हमने आपको बताया कि उन छात्रों के लिए खुशखबरी है, जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, जो वो ट्वेल्थ के छात्र जो बाहर के राज्यों में नहीं जा पाए थे, वो उन छात्रों के लिए खुशखबरी है। तो अतुल जी ने भी बताया कि खुश हैं, लेकिन जो तो जिनके पास उतना पैसा नहीं है, फाइनेंशियली उतने वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बाहर गए होंगे, जाके एंट्रेंस में बैठे होंगे, तो
उन लोगों को भी कंपनसेट किया जाए, लेकिन जो सेंटर रिलोकेट की मांग थी वो अब इन्होंने छोड़ दी है और ये संतुष्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले से। कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक सर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।